They say that love is blind, but I never trusted sight. When I turn and look inside, there's nothing I can't find. In the silence of the night, when my demons come alive, I hear a voice disguised, telling me we're not alright. Be lost, be lost, be no evil. Lie down, oh, hear no sin, no evil. You're always on my mind. They say that love is blind, but I never trusted sight. When I turn and look inside, there's nothing I can't find. In the silence of the night, when my demons come alive, I hear a voice disguised, telling me we're not alright. आप देख सकते हैं कि इस नया टायर का ग्रिप आप देख सकते हैं क्या मस्त लग रहा है। नया नया इसमें ग्रिप है, सो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। हेलो दोस्तों, तो जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने ये टायर चेंज करवाया है। अभी मैंने चेंज करवा के ये टायर आ रहा हूँ, जिसका मॉडल कहाँ गया, मॉडल यही है 140 जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, जो स्टॉक में आता है वही टायर मैंने लगवाया है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यही टायर क्यों लगवाया, मैंने अपग्रेड क्यों नहीं किया या दूसरी कंपनी का टायर क्यों नहीं लगवाया। तो फिर ये हो गया 150 सीसी का बाइक। आरुण फाइव वगैरह होता तो आरुण फाइव में पावर थोड़ी सी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है उसका, उसमें वाइडर टायर लगवाने पे लुक भी अच्छा दिखेगा। पर इसमें ऑलरेडी 140 सेक्शन का टायर आता है और 150 सीसी के जो ये पावर प्रोड्यूस करता है उसके हिसाब से इसमें जो टायर आता है स्टॉक वाला वही एकदम मस्त टायर है। तो उसमें क्यों अपग्रेड करना, और कंपनी को माइलेज वगैरह सब कुछ सोच के ही जो इसमें स्टॉक टायर आता है वह दिया गया होगा। तो फिर मैंने कुछ अपग्रेड नहीं किया, जो टायर इसमें आता था यह है एमआरएफ का रेव्स वाई बोल के टायर है, जो एक इसमें रेडियल टायर ऑलरेडी आता है तो वही मैंने टायर लगवाया है। इस टायर का मुझे कॉस्टिंग पड़ गया ऑलमोस्ट 3600 रुपीज़ इस टायर का पड़ गया। उसमें मैंने ये भी चेंज हुआ है मेरे बाइक का, तो इसका 100 रुपया पड़ गया,
तो 3700 में ये टायर चेंज हुआ है। और मैं दिखला दूँ आपको कि ये टायर कितने किलोमीटर, पहले वाला जो स्टॉक टायर था वो कितने किलोमीटर चला हुआ था। तो अभी जस्ट मैं ये टायर चेंज करवा के आया हूँ और देख सकते हैं आप मेरी बाइक 30,109 किलोमीटर, 30,000 चल चुकी है ये बाइक, 30,000 किलोमीटर चली थी पहले वाली टायर। तो MRF ने बहुत अच्छा किया है जो कि ये टायर दिया है, 30,000 किलोमीटर चलना कोई छोटी बात नहीं होती, इसलिए मैंने यही स्टॉक जो टायर आता है वही टायर लगवाया है, कुछ अपग्रेड नहीं किया है। पहले मैंने सोचा था कि 140 सेक्शन का टायर है, इसको 150 सेक्शन का अपग्रेड किया जाए, है ना। तो अपोलो अल्फा H1 जो आता है ना, 150 सेक्शन का सबसे बेस्ट टायर जो आता है, वो मैंने पहले सोचा था कि वो लगवाऊँ, है ना। तो क्या है ना, ये बाइक जो है FZS, ये है कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है ये, है ना। ये स्पोर्ट सेगमेंट की नहीं है, जैसे कि R15 हो गया, तो उसमें लीनिंग कॉर्नरिंग करने में आसानी होती है उस टायर से, है ना। ये बाइक में वो सब नहीं हो सकता, इसीलिए जो कि हो सकता है कॉर्नरिंग होती है, थोड़ा बहुत होता है, R15 जितना तो नहीं हो सकता, है ना। तो इसीलिए जो कि कंपनी के साथ जो आया था MRF का टायर 140 सेक्शन का, जो कि 30,000 किलोमीटर चला हुआ था, तो मैंने यही सोचा यही सबसे बेस्ट होगा, है ना, क्यों अपग्रेड करा जाए, है ना। तो जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने किया है।